हाँ, मैंने ही मरवाया मूसे वाले को, सलमान खान को भी मारेंगे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इस खुलासे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। पिछले कई साल से फरार चल रहे गोल्डी बराड़ ने एक टीवी इंटरव्यू में कबूल किया है कि उसने ही मूसेवाला की हत्या करवाई। यही नहीं, ये भी कहा कि फिल्म अभिनेता सलमान खान भी उसके निशाने पर है। गोल्डी का दुस्साहस देखकर सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं। आश्चर्य की बात है कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी टीवी न्यूज चैनल में खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है और सिस्टम को ललकार रहा है। गैंगस्टर गोल्डी ने कबूल किया है कि उसने अपने साथियों की मदद से सिद्धू मूसेवाला को मरवाया और अब सलमान खान उसके निशाने पर है। गोल्डी का असली नाम सतविंदर सिंह है। वो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास सहयोगी है। हाल ही में गैंगस्टर गोल्डी ने एक टीवी न्यूज चैनल से फोन पर बातचीत में कबूल किया कि उसने मूसेवाला को कुछ बेहद संगीन कामों की वजह से मरवाया। गोल्डी ने यह भी खुलासा किया कि वक्त मिलने पर वो सलमान खान को भी मारेगा ताकि उसकी अकड़ दूर हो सके। गोल्डी बराड़ पर कनाडा पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कबूलनामा करते हुए गोल्डी बराड़ ने एक टीवी न्यूज चैनल को बताया कि मूसेवाला का मर्डर बहुत सोच समझ कर किया गया है। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे, लेकिन जरूरी था वो हमने कर दिया। मूसेवाला को मारने के पीछे वजह बताते हुए गोल्डी बराड़ ने कहा, वो बहुत अहंकारी था और बिगड़ा हुआ था। उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा था, पॉलिटिकल पावर और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा थी, जिसका वो मिसयूज कर रहा था। उसको सब सिखाना जरूरी था। गोल्डी बराड़ ने यह भी कहा कि मूसेवाला ने उसके साथियों के कुछ ऐसे पर्सनल नुकसान किए हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जो माफी के लायक नहीं थी। मैंने कई पत्रकारों को कॉल लगाया। विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर के बाद एक पत्रकार को फोन लगाया था सिद्धू को मारने से पहले कि इसका नाम सरेआम आ रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार है, इसका सीएम के साथ उठना बैठना है, कोई तो पूछो, इसका नाम आया और ये सरेआम घूम रहा है अफसरों के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के सवाल पर गोल्डी बराड़ ने कहा कि कई दिनों से मीडिया में चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम के हमारा गठजोड़ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश में बम धमाके किए उनसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। उसने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से बात होती थी, उसी ने सिद्धू मूसेवाला से सुलह कराई थी। अभिनेता सलमान खान के लिए गोल्डी बराड़ ने धमकी भरे लहजे में कहा, हम उसे मारेंगे, जरूर मारेंगे। भाई साहब यानी लॉरेंस ने माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उसने यानी सलमान ने माफी नहीं मांगी। जैसा हमने पहले भी कहा है, ये सिर्फ सलमान खान की बात नहीं है, जो भी हमारे दुश्मन है हम उन्हें मारेंगे, सलमान खान हमारा टारगेट है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हाल ही में रैपर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी वाला वॉइस नोट भेजा था। वो रैपर हनी सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दायर आरोप पत्र में गोल्डी बराड़ को मास्टरमाइंड बताया गया है। धमकी मिलने के बाद रैपर हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि गोल्डी बराड़ उसकी हत्या करवाना चाहता है। उसने बताया कि गोल्डी बराड़ ने उसे वॉइस नोट भेजकर धमकी दी है। इससे पहले भी गोल्डी बराड़ कई फिल्मी सितारों को जान से मारने की धमकी दे चुका है। 2023 में उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
अब हनी सिंह को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकी के मामले में भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वो जब अमेरिका में था तब उसके मैनेजर को धमकी भरे कॉल आए थे। अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर्स के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने धमकी से जुड़े सभी सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। अपराध की दुनिया में कुख्यात बिश्नोई गैंग का खास मेंबर गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित पूरे देश में अपराधों को अंजाम देता है। गोल्डी भगोड़े आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। कनाडा में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। फिलहाल वो देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। वो मूल रूप से मुख्तार साहिब का रहने वाला है। उसका जन्म 1994 में हुआ था और वो ग्रेजुएट है। गोल्डी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक साजिश रचने के साथ साथ हत्या, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर आए दिन नए अपराधों को अंजाम देता रहता है। गोल्डी के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में एक डिस्को के बाहर हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। बाद में बिश्नोई गैंग ने गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने के लिए युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी का नाम भी सामने आया था। इसके बाद वो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। इस मामले में फरीदपुर की एक अदालत ने बराड़ के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। भारत से भागने के बाद सतिंदर जीत सिंह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बन गया और तब से वो कनाडा में बैठे बैठे ही भारत में तमाम अपराधों को अंजाम देता रहता है। हालांकि टीवी इंटरव्यू में गोल्डी ने दावा किया था कि वो कनाडा में नहीं है और वहां से 3 साल पहले निकल चुका है। गोल्डी ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कनाडा में रहते हुए ही रची थी। पुलिस के मुताबिक गोल्डी अपने टारगेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत में हिट स्क्वाड बनाता है। उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोऑर्डिनेट करता है। मूसेवाला हत्याकांड की जांच में एक फोन नंबर तिहाड़ जेल का भी ट्रैक किया गया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने बताया था कि मूसेवाला की हत्या का शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से संबंध है। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि मूसेवाला की हत्या मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। मिड्डू खेड़ा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली थी। गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि उसके एक नहीं कई चेहरे हैं। दरअसल वो अपने गैंग का सबसे बड़ा शूटर भी है। वो हर वारदात को अंजाम देने के लिए अपना हुलिया बदल लेता है। पंजाब पुलिस के पास भी गोल्डी बराड़ की 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। इन सभी में उसका हुलिया एकदम अलग है। गोल्डी बराड़ को पुलिस ने A+ कैटेगरी के गैंगस्टर्स की सूची में रखा है। वहीं अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। गोल्डी पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गोल्डी बराड़ होलिये के साथ ही अपना ठिकाना भी बदलता रहता है। फिलहाल उसका नया ठिकाना अमेरिका के कैलिफोर्निया की फ्रेस्नो सिटी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसके असली ठिकाने का पता लगाने में अब तक नाकाम रही है। अगर हनी सिंह को धमकाने के मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। गोल्डी बराड़ भारत और कनाडा में वांटेड है। कनाडा ने उसे टॉप 15 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में रखा है। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज ब्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।